हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थ्रेड ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। तो हमने टाइपोग्राफिक्स का सीरीज क्लास शुरू किया है। आज ये हमारा चौथा क्लास चल रहा है टाइपोग्राफिक्स का। तीन वीडियो हमने पोस्ट किया है। आप हमें आई बटन में दे दिया है, जाके देख सकते हैं। टाइपोग्राफिक्स आज के हम टाइपोग्राफिक्स बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का। आज हम बैक टाइपोग्राफिक्स का बैकग्राउंड डिजाइन करेंगे। देखिए, सिर्फ लिख कर हम बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है? बहुत ही अच्छा एक टाइपोग्राफिक्स बनाएंगे, देखेंगे, प्लीज वॉच। तो पहले हम इसका बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसे कि आपने देखे होंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड बनाते हैं। कलर आज हम ब्लैक रखते हैं। नया लेयर लेते हैं। देखिए, आज हम टाइपोग्राफिक्स बनाएंगे वाट पर। सिर्फ आप अपने हिसाब से मनपसंद का वाट चॉइस करके बना सकते हैं। देखिए, हम डिजाइनर हैं, हम डिजाइनिंग वाला वाट लिखते हैं, जैसे कि टाइपोग्राफिक्स डिजाइन, बॉर्डर, फॉन्ट, स्टाइल, इस तरह करके एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये सब वगैरह वगैरह लिख देते हैं। आप अपने हिसाब से मनपसंद का डिजाइन चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि आप नेचर से बनाना चाहते हैं, तो आप ट्री, प्लेनेट, सन, टावर, इस तरह के लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर डिजाइनिंग वाला वर्ड लिखेंगे। देखिए, ये लिखने का हम जो लिखना है, तो हमको थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए। हम इतना इतनी में ही काम चला लेंगे। अब क्या करना है वो आपको देखिए फ्रेंड्स। अब आपको इसका जो अब क्या है, इसका एक कॉपी निकालना होगा। ऐसे कॉपी निकाल लीजिए, इसका फ्रंट आप चेंज कर दीजिए, या फिर रेगुलर, या फिर आप नैरो, नहीं नैरो नहीं, रेगुलर रखिए, रेगुलर रख सकते हैं। ऐसे एक रेगुलर और एक टाइपोग्राफिक्स, ये दो वर्ड हम बैकग्राउंड रखते हैं। दोनों को ही सिलेक्ट करना है। सॉरी, पहले एक को बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, एक्सपेंड और फिल ऑब्जेक्ट पर ऐसे एक्सपेंड कर दीजिए, और इसे भी क्लिक करिए, ऐसे एक्सपेंड एक्सपेंड। ओके, हमें एक को पहले बनाएंगे, इसे हम बनाना पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे एक बैकग्राउंड जैसा बनाना होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इसी पर बनाएंगे, ठीक है? इसे थोड़ा संभाल कर बनाना, क्योंकि जितनी मार्क के लिए आप लेंगे, जितना ध्यान से लेंगे, जितना अच्छे से लेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी टाइपोग्राफी डिजाइन होगी, उतनी अच्छी डिजाइन होगी। अब देखिए, इसका एक कॉपी निकालना होगा आपको। कैसे कॉपी निकालना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ कर दीजिए। अब आपको इस तरह का फाइल, देखिए, ऐसा लगना चाहिए कि वो पीछे की तरफ, ऐसा डिजाइन बनाना होगा। वैसे इस तरह का डिजाइन, बहुत अच्छे। अब क्या है, देखिए, इसके ऊपर पहले इन दोनों को लॉक करते थे। अब देखिए, यहाँ पर आएंगे, इसे अनग्रुप कर दीजिए। हर एक को ग्रुप करना होगा सबसे पहले। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान है।
देखिए सब हमने ग्रुप कर दिया, अब क्या करना होगा आपको? इन सब की कलर फिलहाल के लिए हम अलग सा कोई कलर रख देते हैं। अब देखिए क्या है, हमें इन दोनों लेयर को नीचे ले जाना होगा, सबसे नीचे। अब आपको इन दोनों को लॉक करना होगा। अब देखिए इस टाइपोग्राफिक्स को आप अपने मनपसंद के हिसाब से बैठा सकते हैं, इसके आसपास आप अपने हिसाब से बैठाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फ्रंट का अगर आप बैठाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। डिजाइन को इस तरह बैठा देते हैं, फ्रंट को इसके नीचे बैठा देते हैं, अब अपने हिसाब से बैठाएंगे इसके ऊपर। अब देखिए क्या है, इसको भी आप एक्सपेंड कर दीजिए। सबसे पहले कर दिया, इसका कलर आप फिलहाल के लिए इसका भी रेड रख लीजिए और इसको भी अनग्रुप कर दीजिए। अब देखिए इसको भी हमें ग्रुप करना होगा। अब देखिए एक ऐसे लेंगे, मतलब एक रेगुलर वाला लेंगे और एक बोल्ड वाला, मतलब जो ब्लैक वाला, एक रेगुलर वाला और एक बोल्ड वाला डिजाइन। फ्रंट को हम यहाँ पर लगा देते हैं, इसको डिजाइन को डिजाइन अच्छे वाला डिजाइन चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, सो हमने इसे पहले जो एनवलप था इसमें हमने बैठा दिया। आपको आप क्या करना है, देखिए ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, सबको सिलेक्ट करना होगा एक साथ, कंट्रोल जी कर दीजिए। अब क्या है, इसे हमने तो सिलेक्ट कंट्रोल जी कर दिया, लेकिन हमें इसे नीचे लाना होगा। ये जो दो चीज था इन दोनों के नीचे। अब आपको क्या है, एक इसका कॉपी निकाल के रखना होगा। अब कॉपी बनी, सो अब यहाँ एक और इधर दो बना लिया। सो आपको क्या करना होगा, दोनों को ऊपर वाले जो इन दोनों को पहले अनलॉक करना होगा। इन दोनों को सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्ट्रॉय मेक विथ ऑप ऑब्जेक्ट, ओके। सॉरी, सबसे पहले आपको एक और चीज करना था, जरूरी था, याद नहीं। इसका कलर आप व्हाइट कर दीजिए और इसका भी कलर व्हाइट रख देते हैं। अब क्या है, इन्हें सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट और मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। सॉरी,
left. ऑब्जेक्ट हेलो ओके पाथ। अब इसको भी बनाना होगा आपको इसके साथ। इन दोनों को सिलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट एनवलप डिस्टर ये कोई कब ऑब्जेक्ट। ओके इस पर आपको थोड़ा सा करना होगा आपको। अब इन दोनों को सिलेक्ट करिए, सही से बैठा दीजिए। अब देखिए क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। इसे कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल ए, और इसका ऊपर से नीचे थोड़ा ऐसे करके ले आएंगे। ओके अब देखिए इसको आपको क्या है, इसको अभी आप कॉपी हो, बाद में हम बनाएंगे इसे। इसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ऑब्जेक्ट। अब नीचे से आपको सॉरी आपको अनग्रुप करना होगा, नीचे से जैसे आपको डिलीट करना होगा। ओके इतना ही ठीक है। तो फिर एक और डिलीट कर दीजिए। अब क्या है देखिए, आपको इसका ओपेसिटी कम करना होगा। सोचिए पहले से थोड़ा कम करते करते हमको नीचे आना है 80%, फिर आपको इसका रखना होगा आपको 60%, फिर इसका रखना होगा आपको 40%। यहाँ पर कुछ लिखते थे कि टाइपोग्राफिक्स बैकग्राउंड इस टाइप का, सो इसका कलर रहेगा वाइट। ओके नीचे वाला जो है ठीक है, ऊपर में जो लिखा है हमने इसे हम एरियल या फिर रेगुलर पे रख देते, नैरो रेगुलर ही रख देते। ओके इसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। सही से यहाँ पे फिट कर देते हैं। देखा फ्रेंड्स हमने कितनी आसानी से एक टाइपोग्राफिक्स बैकग्राउंड बना दिया, टाइपोग्राफिक्स डिज़ाइन कर दिया। सो अगर आपको टाइपोग्राफिक्स के बारे में और भी कुछ सीखना है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई ग्रेट ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। और इस टाइपोग्राफिक्स का जो मैंने सीरीज ओपन किया है, हर एक दो दिन के अंदर मैं जो टाइपोग्राफिक्स के बारे में सिखाने वाला हूँ, प्लीज़ इसे देखिए टाइपोग्राफिक्स के बारे में अगर आपको सीखना है। थैंक यू।